हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शॉल बनाना सिखाऊंगी। शॉल कह लीजिए या स्टॉल कह लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको यहाँ डेमो के लिए शॉल दिखा रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये मैंने आज से 21 साल पहले बनाई हुई है। अपनी शादी के लिए मैंने ये क्रोशेट करी थी और ये मेरी पहली क्रिएशन थी जो मैंने क्रोशेट की थी। ये देखिए, और ये कितनी लंबी शॉल है, और ये मैंने पूरी प्रॉपर एक शॉल की तरह बनाई हुई है। ये देखिए, तो लंबाई तो इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ आपने कितनी रखनी है फ्रेंड्स इसकी। तो इसको इंच टेप से हम मापेंगे कि कितनी चौड़ाई हमें इसकी चाहिए। तो ये देखिए आप, ये यहाँ से लेके इसकी जो लास्ट में ये हुआ हमारे पास, ये है फ्रेंड्स हमारे पास 35 इंच में है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 35 इंच चौड़ी हमारी शॉल है, और लंबी फ्रेंड्स ये मैंने अपने साइज़ के हिसाब से बनाई है। आप किसी भी शॉल का माप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे मन में आ जाया कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जो हूँ एक बिल्कुल इजी स्टिच से, जैसे आजकल अब समर्स लगी हुई है ना, तो आप घर बैठे आराम से ऐसे बिग प्रोजेक्ट भी बना सकती हैं अपने लिए। जैसे आपको गोपाल जी को तो बनाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये शॉल जो है या स्टॉल जो है, वैसे ये बनाई मैंने शॉल है, लेकिन अगर आप इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है 30 इंच रखेंगे तो ये स्टॉल बन जाएगी। तो मैंने 35 इंच चौड़ी रखी है, लंबाई आप अपने हिसाब से रख लें। तो देखिए, इसको जब मैंने क्रोशेट किया हुआ है तो मैंने बड़े लूज से स्टिच लिए हुए हैं ताकि ये सॉफ्ट बने बिल्कुल। अगर हम इसको बहुत टाइट टाइट बुनेंगे तो हमारी चीज़ें जो हैं अकड़ के आती हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा स्टिच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो दूंगी, एक छोटा बनाएंगे आप खुद बड़ी शॉल। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, तो जैसे मैंने ये 35 इंच चौड़ी है ना, तो 35 इंच चौड़ाई के हिसाब से आप चेन ले लीजिए, जैसे सिंपल चेन लेनी है। और ये जो चेन आप लेंगे ये बिल्कुल लूज़ लेंगे। मैंने यहाँ पे 9 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है और 4 ply ऊन यूज़ की है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ी पतला स्टफ़ चाहते हैं ना, तो 3 ply ऊन पे भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगी। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स, ये जब मैंने ये बनाई थी तो मैंने ये 3 ply ऊन पे बनाई थी, तो मैं जो डेमो दे रही हूँ आपको वो मैं 4 ply ऊन पे दे रही हूँ। 3 ply ऊन को आप 9 नंबर क्रोशिये पे बुनिए तो आपकी शॉल बहुत सुंदर बनेगी। तो देखिए, हमने कैसे स्टार्ट करना है, सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी जो कि एक शॉल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने क्या करना है, हमने जो चेन लेनी है ना फ्रेंड्स, बेसिक नॉट बना ली ना, फिर हमने लूज़ लूज़ चेन्स लेनी है ऐसे को, ये देखिए, ये ऐसे को, ताकि ये बहुत अकड़ी अकड़ी सी ना आए। लूज़ चेन लीजिए आप, ये मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, आपने भी काउंट करके लेना होगा काउंट करके लीजिए, या फिर अगर आपने इंचेस के हिसाब से मापनी होगी तो इंचेस के हिसाब से। 35 इंच मैंने बनाई है, लेकिन जैसे आजकल स्टॉल का ट्रेंड है तो आप 30 इंच काफ़ी हो जाएगी आपके लिए, या 30 से भी छोटी आप माप लीजिए, किसी स्टॉल से माप लीजिएगा। तो देखिए, जैसे मैंने ये चेन बना ली, यहाँ पे देखिए मैंने कितनी खुली चेन बनाई है फ्रेंड्स। अगर हम टाइट चेन बनाते हैं तो हमारा यहाँ से कड़ा कड़ा सा आएगा, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से मैंने पहले एक बॉर्डर टाइप बुना हुआ है, तो बॉर्डर मैंने डबल क्रोशेटिंग में बुना हुआ है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, अब तीन चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये ले ली ना मैंने, जैसे आपने काउंट करके ले ली, उसके बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लीजिए, और यहाँ पे 4th नंबर वाले लूप में आप जो हैं वो ऐसे डाल लीजिए इसको, और लूज़ हाथ से। अगर आपका हाथ टाइट है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ सुजेस्ट करूँगी आप 8 नंबर या 7 नंबर क्रोशिए पे बुनिए, अगर टाइट है। अगर लूज़ है तो 9 नंबर ठीक है, आप 9 नंबर पे बुन सकती हैं इसको। और हर एक चेन जो है आपने डबल क्रोशेट करनी है लूज़ हाथों से। लूज़ कैसे बनेगा, ये देखिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको इसको। ये आ गया ना, जैसे ये लिया आपने, तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच लीजिए। देखिए, ये खींचा मैंने लंबा, अब 2, 2 का 1, ये देखिए मेरा कितना लंबा लूप आ रहा है। अगला भी ऐसे ही, ये ऐसे लंबा सा खींचिए इसको, अपने आप ये लंबे लंबे लूप्स आ जाते हैं। लंबे लूप्स का एक ये रहता है बेनिफिट फ्रेंड्स, एक तो देखिए ये नरम बहुत ज़्यादा बनेगा, और बनेगा भी जल्दी,
बहुत ही लूज भी नहीं लेना है, आपने सफाई का भी ध्यान रखना है कि मेरी क्रोशेटिंग जो है वो नीटली हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से आप ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी लाइन क्रोशेट कर ली। देखिए मेरे कितने लंबे लंबे लूप्स आए हैं। अब सेकेंड लाइन हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तीन चेन ले ली, इसको मोड़ेंगे और इसको छोड़ते हुए अगले वाले में डालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, अगले वाले में यहाँ पर डालेंगे इसको, यहाँ पर, और ये वैसे ही लंबा लंबा लूप्स लेंगे। ये ऐसे इस लाइन को भी पूरा ऐसे ही बुन लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4, मैंने 4 लाइनें बुनी हुई हैं। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए इसका। अगर चाहें तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो इतना भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो 2 लाइनों का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप, मैंने यहाँ पर 4 लाइनों का लिया हुआ है। सिखाने के लिए मैं आपको 2 ही लाइन्स का दूंगी। यहाँ पर आप चाहें जितना मर्जी बड़ा बॉर्डर बना लीजिए, है ना। तो इस लाइन को यहाँ पर आगे तक कंप्लीट कर लीजिए ऐसे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्रोशेट कर लिया, डबल लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई, सेकंड रो जो थी। अब देखिए हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर छोड़े हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए साइड्स में पट्टी, तो ये छोड़े हैं मैंने 2 4 5 6 7 7 छोड़े हैं। आप चाहें तो छोटे बड़े, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, दोनों साइड से छोड़ना है। ये देखिए यहाँ से भी, साइड से भी मैंने छोड़े हुए हैं ये 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 7 7 छोड़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से छोड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये मैं छोटा डेमो दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 3 छोड़ देती हूँ। ये 1 2 3 चेन लेंगे और अगले वाले में डालेंगे। ये 2 हो गए हमारे। अब मैं डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ फ्रेंड्स, है ना। ये देखिए 3 का मैंने बॉर्डर छोड़ दिया, प्लेस लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ क्या किया हुआ है मैंने, मैंने 1 2 3 तीन मैंने छोड़े हुए हैं, और चौथे में मैंने जो है वो एक पंखा बनाया हुआ है 4 लूप्स का। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 छोड़ दिए, मैं तीसरे पे लूँगी, ये 2 छोड़ूंगी यहाँ पे और यहाँ पे डालूँगी, और 3 2 1 डबल क्रोशेटिंग करूँगी एक बार, और दूसरी बार डबल क्रोशेटिंग, एक चेन लूँगी यहाँ पे और फिर से मैं 2 बार डालूँगी। ये चेन मैंने इसीलिए ली फ्रेंड्स क्योंकि आगे को हमारे पास एक स्पेस हो गया इसको डालने के लिए, अदरवाइज इसमें यूं चौड़ा हो जाता है, ये खिंचाव पड़ता है। तो आप भी एक चेन ले लें, अब प्लेस लीजिए। अब मैंने यहाँ पे जो है हर एक उसमें 4 4 छोड़े हुए हैं, तो हमने 4 ही छोड़ने हैं। यहाँ पे 4 मैंने तब नहीं छोड़े क्योंकि ये स्पेस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स फिर यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको इतना ही किया, मैंने इसको 2 ही छोड़े यहाँ पे। और आप भी बिगनिंग में ऐसा ही करें। अब देखिए प्लेस लेंगे 1 2 3 चौथे वाले में फ्रेंड्स, है ना, चेन के अंदर डाल रही हूँ मैं इसको लूज, जैसे मैंने बोला था थोड़ा लंबा खींचिए, 1 ये 2, बिल्कुल सिंपल स्टिच है फ्रेंड्स ये। इवन जो बिगनर्स होते हैं वो भी इजीली क्रोशेट कर सकते हैं। और आपको पता है 1 2 3 चौथे में डालिए, मैं इसको हमेशा साड़ी के साथ लेती हूँ, और ये बहुत जो गर्म है फ्रेंड्स, बल्कि मैं तो हिली एरिया में रहती हूँ तब भी मैं इसको पूरे दिसंबर मंथ में ओढ़ती हूँ शिमला में। तो मतलब आप इसको हर सीज़न में ओढ़ सकते हैं, बोलने का मतलब कि विंटर्स में जैसी मर्जी ठंड हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यार इतने बड़े बड़े होल्स हैं इसमें तो इसमें हमें ठंड लगेगी। तो फ्रेंड्स मेरे ऊपर बिलीव करें, आप कभी ओढ़ के देखना बना के, आपको बहुत गर्म लगेगा ये, और आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी तारीफ भी बहुत होगी कि आपने खुद बनाया है। ये देखिए 1 और ये 2, ये देखिए आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। मैंने माता रानी की शॉल का डाला हुआ है एक, मैं उसका लिंक जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सजेशन में भी डाल दूंगी, वो 3D डिज़ाइन है, उसको उसकी भी आप शॉल बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस पे मैंने इतने सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं नए नए फ्रेंड्स, उसमें भी हम बना सकते हैं। और 1 2 3 और ये 4, हम अपनी क्रिएशन से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से। ये देखिए, और ये तो है ही बिल्कुल सिंपल स्टिच, जिसको बोलते हैं फैन स्टिच। ये देखिए
मैं इसको फैन स्टिच बोलती हूँ। बाकी अब मैं देखती हूँ मेरे को तीन चाहिए आगे, तो पीछे मैंने यहाँ पे टू छोड़े थे, तो एज़ पर नीड मुझे यहाँ पे भी टू ही चाहिए थे, लेकिन मेरे पास फोर ही बचे हैं तो मैं यहाँ पे वन स्किप करूँगी। क्रोशिया एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, वहाँ पे ज़्यादा हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि निटिंग में होती है कि यार छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अच्छे से मैंने तीन ले लिए और मेरा लूप भी बना हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट लाइन हम बुनेंगे, तीन चेन लेंगे फिर से, एक दो तीन, और इस वाले में नहीं डालेंगे, अगले वाले में डालेंगे। ये यूं खींचा लंबा लूप बनाने के लिए, है ना फ्रेंड्स। एक चीज़ याद रखना, जितना आप खुला बनाएंगे ना, ढीला ढीला बुनेंगे, उतनी सफाई उतना ही सॉफ्टनेस आएगी इस चीज़ में। ये देखिए अब हम डायरेक्ट यहाँ डालेंगे, दो इधर को रह गए मेरे और दो इधर को, और ये जो बीच में मैंने चेन ली हुई थी इसमें फिर से एक, और ये दो, और एक चेन, फिर से वैसे ही फ्रेंड्स। इसमें अगर आप मोती डालना चाहें बीच में मोती डाल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं आप, इसमें अपनी क्रिएशन क्रिएट कर सकती हैं, न्यू थिंग क्रिएट कर सकती हैं, नए नए डिज़ाइन डाल सकती हैं। हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है कि बनाई कैसे जाती है, फिर हमारे जो दिमाग है वो घोड़े की तरह दौड़ता है नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए। ये देखिए इस तरीके से, और शॉल में हमेशा थोड़ा खुला डिज़ाइन आप प्रेफर करें, बहुत गफ डिज़ाइन में फिर थोड़ा सा वो उतना गुड लुकिंग नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो पूरी लाइन इसी तरीके से बुन लें फ्रेंड्स आप। ये देखिए मैं कितने ढीले हाथों से इसको बना रही हूँ, ये देखिए, ये ऐसे ही इसका बॉर्डर भी बन जाएगा, जो भी क्रिएशन आप करना चाहें वो सब कुछ बन जाएगा। और ये बिग प्रोजेक्ट है, तो आप धीरे धीरे जब भी टीवी देखें, जब भी फ्री हों, तो आप ये काम कर सकती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी शॉल कब रेडी हो गई। आप इसको किसी को भी किसी भी फंक्शन में गिफ्ट कर सकती हैं, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है, रेडीमेड में वो बात नहीं होती है उतनी। नो डाउट रेडीमेड अच्छे होते हैं, लेकिन जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसका बॉर्डर फिर से तीन जो मैंने घर लिए हुए हैं, मतलब तीन जो मैंने चेन ली हुई हैं वैसे। ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको कर रही हूँ, आप सिक्स चेन ले लीजिए, सेवन ले लीजिए, जितना चौड़ा आपको पसंद हो। इसी तरीके से आपने बुनना है पूरी शॉल अपनी, देखिए बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। अब चलिए इसकी क्लोजिंग सीख लेते हैं। क्लोजिंग में देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इसका लास्ट कॉर्नर मैं दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हर एक जो लूप है उसको बुना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, क्योंकि यहाँ पर मैंने बीच में एक चेन ली हुई है ना, फिर से टू फोर फाइव सिक्स, तो हर एक चेन मैंने बुनी हुई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बुनेंगे, मतलब क्लोजिंग में। ये देखिए एक दो तीन, जैसे ले रहे थे ना जिसके ऊपर, उनके ऊपर तो वैसे ही ले लीजिए आप। ये देखिए तीन हो गए ना, फिर ये वाला आ गया देखिए मेरा, ये फर्स्ट चेन इसके अंदर डाला मैंने। इसको भी आप लूज़ लूज़ बुने, जितने आपने बॉर्डर में नीचे लिए होंगे ना उतने ही यहाँ पे भी बना लीजिए, मतलब कितनी चेन, जैसे मैंने यहाँ पर दो ही ली तो यहाँ भी मैं दो लूँगी, अगर मैंने यहाँ तीन ली होंगी तो क्लोजिंग में भी मैं तीन लूँगी। तो ये देखिए जो मैं एक एक्स्ट्रा चेन ले रही थी उसके मैं अंदर ही डाल देती हूँ, और फिर से अपने दो जो हैं वो चेन के ऊपर इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये देखिए ये हर एक उसमें जा रहा है, इसी तरीके से आप इसको बंद कर लें फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे को इसी तरीके से बस ऐसे ही बुनते जाएं आप। ये देखिए ऐसे इसको आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें आगे तक, ये देखिए इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बना दिया, तो देखिए मेरे इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल बराबर आया ऐसे ही। मतलब आप इसको पूरा बुन लें जितना आपको ज़रूरत हो। और अब रही इन चेन्स की बारी, तो ये देखिए कितनी ईजी हैं। आपने क्या करना है, कैसे बनाना है, देखो मैं इसको काउंट करती हूँ पहले कि मैंने कितने चेन की बुनी हुई है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन की मैंने बनाई हुई है फ्रेंड्स ये। तो 10 चेन हम कर लेंगे पहले। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन मैंने ली। तो देखिए मैंने कितने लूप के बाद डाली हुई है ये 1 2 3 4 5 6 छः चेन के बाद मैंने ये डाली हुई है। तो चलिए यहाँ भी ऐसे ही डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 छठी चेन पर मैं इसको डाल रही हूँ और ये डबल हो गया। दो के बाद मैंने एक बुन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ नंबर पे मैं इसको डाल दूँगी, मतलब के ऐसे को और दो का एक, इसको सिंगल क्रोशेटिंग कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 2 4 5 6 इसी तरीके से पूरी लाइन आप ये बुन लें और ये देखिए कुछ इस तरीके से आएंगी, ये ऐसी लंबी लंबी सी लग पड़ी आने। ये देखिए मैंने ये बुन लिया, हालांकि मेरे पास यहाँ 2 4 4 ही लूप बचे थे। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे तो मैंने फ्रेंड्स ये 10 ही चेन का लूप ले लिया लास्ट में भी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट सिलाई पे हमने कैसे जाना है, हमने यहाँ तक चेन बुननी है आइडिया से। 1 मतलब आइडिया से क्या, हमने 10 लिए 5 बुन लीजिए 1 2 2 3 4 5 ये देखिए मेरे पूरे मिड में आ गई और इसके बीच में मैं यहाँ पे डालूँगी और दो का एक। अब मैं फिर से 10 चेन लूँगी 7 8 9 10 और इसके बीच में अब डालेंगे हम, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे लूज़ आए तो इसको कस ले लें थोड़ा सा आप, और ये अपने आप से मेरी नेट बढ़ना शुरू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखिए। और ऐसे खींच लें इसको अपने आप मिडल पॉइंट आ जाता है, या काउंट करके आप फिफ्थ नंबर चेन पे डाल लें 5 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ही फ्रेंड्स आप ये अपनी शॉल क्रोशेट कर सकती हैं। अगर आप इसकी जगह कुछ और बनाना चाहती हैं तो और भी बना सकती हैं, कोई भी लेस लगा सकती हैं आप। लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस में मैंने अलग अलग तरह की लेसेस लगाई हुई हैं, वो भी आप लगा सकते हैं नीचे को ऐसे फ्लावर्स वाली, उनके पॉन्चू में अलग अलग सी लगाई हुई है मैंने। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। अब रही पॉम पॉम की बारी, पॉम पॉम हम सभी को ही बनाना आ जाता है। जैसे आप ऐसे अपने हाथ पे धागा लपेटेंगे, ये देखिए ऐसे को लपेटेंगे मोटा मोटा सा, और जब ये हो गया तो ऐसे निकाल लेंगे, ये तो मैंने कम लिया, और इसको आप बीच से जो है वो नॉट लगा लें और यूँ पकड़ते हुए फ्रेंड्स इसको यहाँ से काट लें, आपका पॉम पॉम रेडी हो जाएगा और आप अपना पॉम पॉम बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको ओढ़ के बताती हूँ ये शॉल कैसे लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स ये शॉल कुछ इस तरह से आएगी। अब ये देखिए इसकी पॉम पॉम जो है, और आगे से मैं बताती हूँ अब कैसे लगेगी ये देखिए कितनी प्यारी ये शॉल लग रही है। ये देखिए आप मैडम इसको खोलना ज़रा आगे से, ये देखिए इसकी लेंथ कितनी प्यारी लेंथ है, कितनी प्यारी ब्रेड्थ है इसकी। और इस तरीके से आप इस शॉल को बना सकती हैं और किसी भी फंक्शन में साइड लेनी हो तो साइड ले लीजिए। अगर आपने इसको डबल करके जैसे ये ली गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये 35 इंच जो है चौड़ी है, तो अगर आपने स्टॉल बनानी हो फ्रेंड्स तो आप जो हैं वो इसको जो है 30 इंचेस ले लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।